हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज हमारा आखिरी व्लॉग होने वाला है, हमारा डे 6 है, क्योंकि मेरा कॉलेज चालू ही है अभी भी, और मैं उसको बीच में छोड़ के केरला आया था। मतलब काइंड ऑफ ए लीव लिया था मैंने एप्लीकेशन देके। अभी फ़िलहाल सुबह के 6:30 हो रहे हैं, यहाँ पे सनराइज हो रहा है। आज इतना कुछ हो नहीं पाएगा, आज जितना हो सके उतना रिकॉर्ड करेंगे, मुश्किल है फिर भी ट्राई करेंगे जितना। और ये मेरे नाना का शॉप है छोटा सा, यहाँ पे हर चीज़ मिलेगा एट लो कॉस्ट। कात्रा बस स्टॉप यहाँ पे, ये देखो ये है तट्टगढ़ा। ये जो चाय वाय पीते हैं यहाँ पे, और यहाँ शॉप्स बहुत सारे मिल जाएंगे। तो क्योंकि हम यहाँ से जा ही रहे थे तो हमको लगा स्वदेशी वड़ा मेरे को दिखा था, तो मेरे को थोड़ा सा इच्छा हुआ कि खाए, तो हमने दे लिया थोड़ा सा। यहाँ पे ऐसा आइसक्रीम मिलता है, अभी देखो ये बॉल के अंदर से आइसक्रीम भरा हुआ है, फिर इसको खाने के बाद हम लोग इसको बॉल की तरह यूज़ करते हैं क्रिकेट खेलने के लिए सब। और एकदम वेनिला आइसक्रीम, एकदम मस्त। अभी हमने ये देखो आइसक्रीम खा लिया, अब इससे खेल सकते हैं। ये काइंड ऑफ बच्चों के लिए है, लेकिन मैं भी दिल तो बच्चा ही थी। चलो गैस, करेक्शन नंबर 1 ये है कि ये कैक्टस नहीं, ये ड्रैगन फ्रूट का पौधा है। ये पूरा जो कैक्टस टाइप दिख रहा है इसमें ड्रैगन फ्रूट उगते हैं, ये मुझे कल पता चला जब मुझे कॉल आया। कई बार ऐसा लगता है कि यार जिंदगी में पैदा होकर ही गलती की है। मतलब कई बार ऐसा महसूस होता है कि ये कैसे हो गया यार। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं हमारे मंदिर के पॉन्ड में। दूसरा करेक्शन ये था मेरा कि फ्रेश होने के लिए नहीं जाते पॉन्ड में, जो मंदिर का पॉन्ड होता है वो बेसिकली शुद्धिकरण के लिए होता है। मतलब शुद्ध होके जाना होता है वहाँ पे, हाथ पाँव धो के फिर वहाँ पे अंदर प्रे करने जाने का भगवान के पास, फिर हमारे विशेष पूरे करने का, ये क्या बोलते हैं, रखते हैं अपने विश। अब वो भगवान के हाथ में कि वो विश पूरा होता है कि नहीं। तो अभी हम जा रहे हैं ये झोला लेकर और ये दो टॉवल लेकर हमारे पॉन्ड में नहाने के लिए, जो कि मेरा बेस्ट वे होगा स्विमिंग के लिए, सीखने के लिए। और मतलब आता है मुझे स्विमिंग, लेकिन फिर भी मैं वहाँ तैरूँगा और मैं वहाँ से शुद्ध हो के फिर मैं मंदिर में एंटर करूँगा। ताकि बाबू ये आपकी धोती। पेरियाट श्री महाविष्णु क्षेत्र, ये है मंदिर, ये पॉन्ड।
मंदिर के अंदर वीडियो नहीं ले सकते, फिर अंदर नहीं गए हमने, बाहर से ही ले लिया। दा ये मंदिर का खाना बनाने वाला जगह है, यहाँ पे मेनली सब्जियाँ ले रहा है, यहाँ पे सब्जियाँ होता है, मतलब जो बनाना लीफ से चावल और वो सब डालते देते हैं वो यहाँ पे बनता है। जब यहाँ फेस्टिवल होता है तब वो लोग बहुत यहाँ आते हैं, सब सेलिब्रेट करते हैं। ये यहाँ का किनर यानी कि कुआ ये देखो गाइस, आंवला दिखा आपको, ढेर सारे आंवला है इस पेड़ पे। ऐसे ये आम का पेड़, ये हल्दी का पौधा है, ये ड्रैगन फ्रूट का है, ये हमारा नहीं है, ये कुछ किसी और का है, तो हमें यहाँ से जल्दी कल्टी मारना होगा। रन सैंडल ना रहा, ये सैंडल वुड है, ये वाला जो है। यहाँ पर रास्ते पे चलते चलते ऐसा हरा भरा वॉल देख के चलने में मज़ा आता है। यहाँ मोस्टली मंजाड़ी कुरु होता है जो कि रेड कलर का एक पर्ल जैसा होता है वो। तो इस सीन के बाद हम गए सीधा घर और स्टार्ट किया हमारा पैकिंग का काम, क्योंकि हमारे ट्रेन का टाइम होने ही आ रहा था, तो हम लोग तुरंत रेडी हुए और भाग लिए घर के लिए। गोइंग टू कन्नौर रेलवे स्टेशन। सेंट्रल जेल है। वेलकम टू कन्नूर रेलवे स्टेशन। तो जैसे ही हम कन्नूर रेलवे स्टेशन पहुंचे, हमने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया, जैसे कि वहां का सबवे, जहां पे हमको बहुत सारी अच्छे आर्ट वर्क्स दिखने मिले, जैसे कि ये स्ट्रक्चर है टीएम का और ये ड्राइंग्स है बहुत सारे ये वॉल्स पे। यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे ड्राइंग बने हैं, हम लोग अंदर तक पूरा घूम के आए क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम था, रेलवे स्टेशन एक घंटा पहले पहुँचने का यही फ़ायदा होता है। इसके बाद वी स्टार्टेड आवर जर्नी टू अहमदाबाद एंड सेड गुडबाय टू केरला। सो दैट इज इट फॉर टुडे, और ऐसे वीडियोस में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।